जावेद सिद्दीकी की कजिन थी, बचपन की दोस्त थी, और जिन पर भी इन्होंने कलम उठाया है उनको अमर कर दिया है। ये पाकिस्तान में जो लोग हैं वो उनसे वाकिफ हैं, और खासतौर पर जो मीडिया में काम करने वाले लोग, आसिफा फारूकी जो थी वो हमारे पाकिस्तान टेलीविजन के जो पहले न्यूज़ डायरेक्टर थे जुबैर अली, उनकी छोटी लड़कियाँ थी। तो आसिफा फारूकी के खुद बहुत काम है, लेकिन इसमें चल खा के बहुत ही अच्छे हैं। मसलन ज़िया मोहिद्दीन साहब ने जो इनकी गुज़िश्ता खाकों की किताबों पर बात करते हुए इनकी नानी के खाके पर कहा था कि आंखों में आंसू आ गए, और बास खाकों पर कहा था कि रिक्कत तारी हो गई, लेकिन इस किताब में जो ज़िया मोहिद्दीन साहब का अपना खाका है उसे पढ़कर हम पर भी रिक्कत तारी हो गई थी। और इसके जो बैक टाइटल है उस पर खास तौर से जावेद भाई ने ज़िया मोहिद्दीन साहब की अपनी तहरीर में एक खत लगवाया है, जबकि इसका जो फ्रंट टाइटल है हमारे यहाँ की बहुत मारूफ आर्टिस्ट दुरिया काजी ने बनाया है, वो भी जावेद सिद्दीकी साहब की फर्स्ट कजन है। तो ये खानदान जो है बड़ा टैलेंटेड है। जावेद का एक सवाल और कि ये जो खाके है रंग रंग है, इसमें दिलीप कुमार है, फारूक शेख है, फारूक शेख को थोड़ा सा फरिश्ता लिखा है, इसके बाद कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनसे हम लोग वाकिफ नहीं हैं लेकिन पढ़ते हैं तो मुलाकात होती है, मगर ऐसा लगता है कि ये कहानी तो आपके अपनी ज़ात की है। जैसे आप अपनी सवालें लिख रहे हैं एक सफ़र में हैं, और जितने हम सफ़र मिलते गए आप उनके बारे में लिखते गए, ये मेरा मुशाहिदा है, आप बताइए आप क्या कहते हैं। आप किसी भी खाके अगर वो ईमानदारी से उनकी बातें याद आती हैं, उनके साथ गुजारा और वक्त याद आता है, और जी चाहता है कि उन्हें फिर एक बार याद आ जाए, फिर उनको गलियों में वापस जाया जाए जो खत्म हो चुकी है या मिट चुकी है। और जब मेरी ये कैफियत होती है तो अलग जो है वो चल पाता है, बस चलाता है और लिखता चला जाता है। पेश नज़्म में ज़हरा अपन ने लिखा है कि जावेद सिद्दीकी के खाकों में बरसिए भी हैं, कसीदे भी हैं, शहर आशोक भी और गज़ल भी। ये ज़हरा निगाह साहिबा की तारीफ है आपके खाकों पर, लेकिन यहाँ पर चूँकि वो अपने ख़ानदान में कुछ ऐसा हुआ कि वो तशरीफ़ नहीं ला सकी, मगर इफ्तिखार आरिफ साहब यहाँ मौजूद हैं और वो यकीनन उनके भी कुछ मुशाहदे और कुछ आपके खाकों के बारे में ख्यालात होंगे, तो मैं उनको दावत देती हूँ कि वो इजहार करें, कुछ बात करें। बहुत ही मुबारकबाद का मौका है जावेद सिद्दीकी साहब की, तो मैं इनको बहुत दिनों से जानता हूँ, आज से कोई 30 बरस पेशतर यहाँ बहुत से लोग बैठे हुए हैं, क्या उनको बताना चाहिए कि वो एक बहुत बड़े खानवादे के फर्द हैं। आपने नाम सुना होगा मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ये उनके बराह रास्त पोते नवास हैं, और राजी भाई यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे टीवी के हमारे दोस्त हबीब फारूकी, हबीबुल्ला फारूकी, जिनका पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में इंतकाल हो गया, उनके यहाँ मेरी इनकी पहली मुलाकात हुई, और ये तशरीफ़ आए हुए थे, और ये इस कदर खामोशी से
हमारे हम सब टीवी वाले थे तो बिल्कुल एक बेनियाज़ाना हमने देखा कि एक मेहमान आया हुआ है जो हिंदुस्तान से आया हुआ है, उनका उनके अजीज हैं वगैरह। उसके बाद मालूम हुआ कि जावेद सिद्दीकी वो से हैं जो शतरंज के खिलाड़ी वगैरह। उस वक्त तक मुझे नहीं मालूम, दुल्हनियाँ ले जाने वाली बात तो फातिमा ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं। मगर ये बात ज़रूर है कि शतरंज के खिलाड़ी जो है वो बहुत मुश्किल किताब है, बहुत ही मुश्किल फिक्शन का और हमारे प्रेमचंद का मास्टरपीस जिसे कहिए वो है। और सत्यजीत रे ने उस पर काम किया, वो बहुत ही मुश्किल डायरेक्टर थे। तो और ये नौजवान आदमी थे, इन्होंने उस चैलेंज को कबूल किया और शतरंज के खिलाड़ी लिखी। अब जहरापा ने जो बात लिखी है इसलिए कि शतरंज के खिलाड़ी जो है वो शहर अशोक भी है और एक मरसिया भी है और एक मरती हुई तहजीब का नौहा भी है। तो जावेद ने बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी। और खाके की जो बात आपने फरमाई, हमारे यहाँ बहुत अच्छे खाके लिखे गए और रशीद अहमद सिद्दीकी और शाहिद अहमद देहलवी। और आखिरी खाकों की जो एक बड़ी किताब मैंने, हर आदमी का अपना होता है, गुलदस्ते अहबाब हमारे असलम फरूखी आपके सारे ज्ञान उनकी किताब नहायत आला दर्जे के खाके उन्होंने लिखे। तो उर्दू में खाके निगारी की रवायत यादों के हवाले से ज़्यादा होती है कि जो आपकी यादें हैं उनको आप जमा कर देते हैं और उसको हम खाका कह देते हैं वगैरह वगैरह। मुट्ठी भर कहानियां हमने जिसका इकरार किया था ये भी लिखी। असल जावेद सिद्दीकी कौन है? खाका निगार, कहानी निगार, कॉलम निगार, फिल्म निगार, कहाँ है जावेद सिद्दीकी? इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूँ, मैं अपने मोहतरम लखार आरिक साहब को सलाम करना चाहता हूँ। भाई आपकी जितनी बड़ी नवाजिश है ये मैं उसका उसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। आप इस जलसे में आ गए, मैं समझता हूँ कि ये जलसा जो है अब यादगार बन गया। बहुत शुक्रिया लखार भाई सलाम करिएगा। अब मैं आपके सवाल का जवाब दूँ कि मैं जावेद से असली जावेद सिद्दीकी कौन है। मेरा ख्याल ये है कि ये बात बहुत ज़माने से चली आ रही है कि शायद या डी खुद नहीं जानता उसको कौन है। अगर जानता तो वालिद कभी ये नहीं कहते, पूछते हैं वो फिर वालिद कौन है। तो मुझे ईमानदारी से नहीं मालूम कि मेरी असली हैसियत क्या है या मुझे किस खाने में फिट किया जाता है। मैं तो इतना जानता हूँ कि हालात ने मुझसे जो कराया वो मैंने किया। जब वक्त था और जिम्मेदारी का दूसरा भी काम नहीं था तो अखबार में काम करते थे कॉलम लिखते थे। उसके बाद फिल्मों में चांस मिला, फिल्में लिखी, किस्मत अच्छी थी कि कुछ फिल्में चल गई और बहुत सारी फिल्में और मिल गई और वो सिलसिला अभी तक जारी है। कुछ अच्छे दोस्त मिले, बुजुर्ग मिले, जैसे मरहूम कैफी आदमी साहब थे जिन्होंने कहा कि तुम ड्रामे लिखो, क्योंकि तुम्हें इशाद भी और इसका इजरा भी 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में हो रहा है। जावेद सिद्दीकी साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले मैं ये बता दूं कि इस किताब में 13 खाके हैं और इसका इंतजाम अहमद शाह साहब के नाम है। इनके वजीर बनने से पहले ही इंतजार किया जा चुका था, इसलिए ये बिल्कुल मेरिट पर है। और ये भी मैं गवाही दूंगी कि खुद अहमद शाह साहब को ये नहीं पता था कि ये इंतजार उनके नाम है, ना जावेद सिद्दीकी को ये पता था
कि इसका इजरा 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में होगा। सब कुदरत के इंतजाम है, और न ये मालूम था कि आज की सदारत जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब, जो इस वक्त उर्दू अदब की मैं समझती हूँ कि सबसे मोतबर और सबसे सीनियर हस्ती है, इनके ज़ेर सदारत इसका इजरा होगा। तो मैं पहले आपके और जावेद सिद्दीकी के दरमियान नहीं हायल होना चाहती, मैं बराए रास जावेद सिद्दीकी साहब से ये पूछूंगी कि अपनी किताब हमारे हाथ में देखकर आपको कैसा लग रहा है जावेद भाई? मैं इनको भाई कहती हूँ, जावेद सिद्दीकी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फातिमा बहन, और बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चा चाहे माँ की गोद में हो या पड़ोसन की, अच्छा तो लगता ही तो मुझे भी खुशी है। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की भी है कि मेरी किताब, जिसे मैं बहुत ज्यादा अहमियत देता हूँ, एक मामूली सा काम है मेरा, खाका निगारी, जबकि बहुत बड़े बड़े खाका निगार मौजूद हैं। लेकिन इस किताब बड़ी बात जो है वो ये है कि आज ये उन हाथों में है कि हाथों तक किसी भी किताब का पहुँचना किताब की। मैं सबसे पहले तो आर्ट काउंसिल का शुक्रिया अदा करूँ कि उसने मुझे एक बार नहीं दो बार नवाजा, दोनों बार बहुत अच्छे तरीके से, उम्दा तरीके से मेरी किताबों की पुताई की गई, रुनमाई की गई। पिछली किताब बुद्धिवर कहानियाँ, वो भी, और ये किताब। मैं सिख के दिल से भाई अहमद शाह का शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरीके से ज़ाती तौर पर और वैसे भी वो जिस तरीके से सरपरस्ती फरमाते हैं और अदब के लिए वो जो कुछ काम कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि इस वक्त हमारे दोनों मुल्कों को मिलाकर कोई इस तरीके का काम और इतने बड़े पैमाने पर कर रहा है। मेरी तरफ से हमेशा साथ को दिली मुबारकबाद। वजीर इत्तला बनने की मुझे यकीन है कि अब वो कुछ और ज़्यादा अच्छे काम कर सकते हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया फातिमा बहन कि आपने अपनी निगरानी में एक एक लफ्ज देख कर, एक एक वर्क जांच कर ये किताब तैयार कराई। मेरा ख्याल है कि अगर आप वहाँ ना होती तो ये किताब ऐसी ना होती जैसी है। जावेद भाई, ये तो आपकी इनके सारी है, आपका हर लफ्ज पढ़ने के काबिल है, आपने खुद और ये वाकई आज की ये इस आलमी कॉन्फ्रेंस का एक यादगार लम्हा करार पाएगा। लेकिन नालों की सफाई के लिए बिल्कुल ना आए, नालों की सफाई के लिए आए आईएसआई चीफ, ना वजीर आजम आए, ना वजीर आला आए, मुंतकिल निजाम धर्म धर्म हो गया। अफसोस की बात यह है कि अभी भी वो ऐसे ही होता है। उससे भी बड़े अफसोस की बात यह है कि एक मुंतखब वजीर आजम और एक मुंतखब वजीर आला और एक मुंतखब मेयर के होने के बावजूद के लोगों का है, इस मुल्क के अरबाब हलो अक्त का है, अरबाब बस्तुकुशात का है कि जनाब इन अल्फाज से, इन शऊर को झिझोड़ने वाली चीज़ों से और कुछ नहीं तो आर्मी पब्लिक स्कूल के शहदा की किताबें इसलिए लिखी जाती हैं, लफ्ज इसलिए लिखे जाते हैं कि वो तारीख के हवाले होते हैं, वो ज़मीर को, शऊर को झुकता। और हुकूमत ये कहे कि नहीं, ये सब हमारे भाई हैं, बच्चे हैं, इनके हथियार ले लो, इनको सवात में बसा दो, यहाँ बसा दो, एक बरस के बाद फिर हम तय कर रहे हो, नहीं ये तो बुरे हैं। इस तरीके से नहीं चल सकता है, इस तरीके से ख़राब ही हुआ है मामला कर रहा हूँ। और मुझे सेनेट ऑफ पाकिस्तान में खड़े होकर कहना पड़ गया था कि खुदा रहा इसको तो मजहबी रंग ना दीजिए, ये मसला हो गया है। मजहब हमारा खूबसूरत, लेकिन उस पर अमल करने वाले भी तो खूबसूरत हों। रियासत हमारी खूबसूरत, लेकिन रियासत वो खवातीन के हवाले से जराइम का हो, किसी भी लोगों ने तो माज़ अल्लाह बच्चों के साथ हो तो जब उन सारी चीजों को आप जमा करें तब
बैग में से मेरा बैग और मफलर दे दो। होता ये है कि जो लोग मशहूर होते हैं, जैसे दिलीप कुमार बहुत मशहूर है, या हमारे उदार सर बहुत मशहूर है, या वरुण शेख बहुत मशहूर है, तो उनके बारे में आप पहले से बहुत कुछ जानते हैं और आप अपनी जो मालूमात है उसकी रोशनी में आपको देखा। लेकिन बहुत से मेरा आपको और विजिट करता हूँ, बहुत सारे मैंने ऐसे वो लोग जो जिन्हें आप नहीं जानते, बल्कि कोई नहीं जानते, क्योंकि उनमें कोई ना कोई खास बात ऐसी जरूर है, वो चीज जो आम लोगों से उनको अलग करती है, और वही चीज जो है वो मुझे मजबूर कर देती है। जैसे मुझी लाल मेरा एक खाता है कि कोई ऐसा शख्स नहीं है अपने घर में सोचा है मेरा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जिस तरीके का एक ऐसी शख्सियत मैं मौसम के साथ अगली शॉप पर निकलूंगा यार, लाइन पर ना मॉर्निंग शो में, ठीक है, मैं भी नीचे निकलना शुरू कर दूँगा, कुछ और दिखाई देने लगता है, और जब वो कुछ और दिखाई देता है तो ये तो बड़ा जुर्म और बड़ी नाइंसाफी होती है उसको दर्शाता है, इसलिए मैंने इस कसम